कहते हैं सैया भय कुतवाल तो डर काहे का, यही कहावत अब लगती है राजस्थान के विधायकों और मंत्रियों पर। जी हाँ, जरा ध्यान से देखिए इस वीडियो को जिसमें कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के बेटे रोहित जूली का टशन साफ दिख रहा है और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रोहित जूली सरकारी पुलिस गार्ड के साथ रॉब और पूरे टशन में नजर आ रहे हैं। मंत्री जूली के बेटे रोहित का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोगों में एक ही चर्चा थी कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, पिता मंत्री हैं तो फिर कोई क्या बिगाड़ सकता है। लोगों का कहना है कि वैसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को पूरी छूट दे रखी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए राजस्थान में विधायकों के मनमानी की पहले भी कई खबरें सामने आई है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। होती भी कैसे, मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी जो बचानी है। विधायकों पर गरीब किसान की जमीनों पर कब्जा, उनके खसरा नंबर चेंज कर मौके की जमीन को हथियाना जैसे कई आरोप लगे हैं, लेकिन इसकी अब तक कोई जांच नहीं हुई। साथ ही इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी गहलोत सरकार के मंत्री और विधायकों को जमकर घेरा। देखिए, मैं एक नेता, ये तो है एक एग्जाम्पल, लेकिन इन सारे नेताओं के परिवार के कोई किसी का बेटा, कोई किसी का भतीजा किसी न किसी बड़े कांड में शामिल है। आप ये देखिए कि कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है, कोई इलीगल बजरी का काम कर रहा है, कोई इलीगल सट्टे का काम कर रहा है, कोई इलीगल आपके अवैध कंपनियों के साथ मिलकर काले पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं कहीं ये सारे चीज़ें जांच के दायरे में आनी चाहिए। और क्योंकि अभी स्थितियां ऐसी है कि जो जांच करने वाला है वो खुद ही कहीं कहीं जांच के दायरे में है। तो आप देखिए कि अभी तक एंटी करप्शन ब्यूरो ने जितने मामले दर्ज किए, कितनों पर अभियोजन की स्वीकृति मिली, सचिवालय में पैसा मिला, कैसे इस मामले को दबाया गया, रीट की परीक्षा का इतना बड़ा मामला, राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य के अरमानों को, उनके सपनों को तोड़ा इन्होंने, धोखा दिया, उस मामले को कैसे दबाने का प्रयास किया। तो यह जब खुदा पहलवान, ये आप देखो कि ये तो अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, लेकिन इनकी संतानें भी कहीं कहीं सरकारी कर्मचारियों का और उनका सरकारी तंत्र का उपयोग करके अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को डराने का, लोगों को गुमराह करने का, लोगों को दबाने का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों और मंत्रियों को मनमानी करने की खुली छूट दे रखी है। मंत्रियों को मिली सुरक्षा का उपयोग मंत्री के परिवार वाले अपना टशन दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसे लेकर अब राजस्थान की पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं।